22 जनवरी को राम मंदिर का प्रतिष्ठा होना है, कई राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ ये कह रहे हैं कि मंदिर अधूरा है, इसका प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, कुछ कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी क्योंकि पत्नी के साथ नहीं है तो हवन नहीं हो सकता, क्या मत है आपका? अब देखिए, आपने देखा होगा कि जो लोग चाहते ही नहीं थे कि मंदिर बने, एक उपाय नहीं छोड़े थे कि मंदिर बने, वो भी ज्ञान दे रहे कि पत्नी के साथ करना चाहिए। अच्छा, जो विवाह नहीं करेगा वो पूजा करने का अधिकारी नहीं, या जो विवाह कर लिया और बाद में चेतना जग गई, वानप्रस्थ आश्रम में चला गया, हमारे यहां चार आश्रम है, पहला, दूसरा गृहस्थ, 25 ब्रह्मचर्य, 25 गृहस्थ, और 50 से 75 साल वानप्रस्थ, और 75 से 100 साल संन्यास। अगर 100 साल की जिंदगी है तब, अभी हम लोग की 70-80 हो गई है, इससे ज्यादा है नहीं, तो 20-20 कर लीजिए, 20-20, तो अब सब 20, 40 साल के बाद तो वानप्रस्थ जीवन आ जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र कितनी है? तो फिर संन्यास की राह पर है। अगर भारतीय परंपरा की जो लोग बात करते हैं, अगर उनको इतना भी ज्ञान होता तो संन्यास की राह पर है, और उनको पूजा ही नहीं, इस दुनिया में और भारत में और सनातन संस्कृति में हमारे रिचुअल्स के किसी भी पूजा को करने का पूर्ण अधिकार है, क्योंकि वो उस आश्रम में प्रवेश कर गए। इस बात को तो सन्यासियों को भी समझना चाहिए, समझते होंगे शायद, लेकिन अब वो राजनीतिक प्रेरित कुछ बातें होती हैं तो विरोध होता, विरोध के लिए विरोध होता होगा। तो एक अच्छे राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, परिवार के लिए नहीं किया, परिवार पूरा राष्ट्र को माना है, और कोई व्यक्ति भगवान नहीं होता, खामियां सब में हो सकती है। परंतु मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, एक चौराहे पर आप खड़े हैं, एक जगह एक एक फोटी सीमेंट लेके खड़ा है, एक जगह बॉम्ब लेके खड़ा है, एक जगह तलवार लेके खड़ा है, और एक आदमी मान लो थप्पड़ लेके खड़ा है, किधर जाओगे? बोलो, जरूरी है जाना थप्पड़ वाले की तरफ से? हम मानते हैं कि ये थप्पड़ मार रहे होंगे बड़े बहुत, लेकिन बाकी जगह तो फोटी सीमेंट लगा है, जाओगे कहाँ? तो हम ये नहीं कहते, हम अंधों की तरह समर्थन नहीं करते, लेकिन मार्ग वो है जहां अभी हम मंजिल तक पहुंच सकते हैं, दो चार थप्पड़ खाते खाते, लेकिन वहां तो एक ही बार में 47 अंदर आ जाएंगे सीधे।